सो स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किया इसके अंदर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो एंड यू आर वेल इक्विप्ड एंड वेल प्रिपेयर फॉर योर आई पी मैट एंड अदर एंट्रेंसेज सो लेट स्टार्ट तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है आपको कि हाउ मेनी सेवन डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग द डिजिट थ्री थ्री टाइम्स एंड द डिजिट फाइव फोर टाइम्स तो वो कह रहा है ऐसे कितने सात डिजिट के नंबर हैं यानी कि हमें डैशेज बनाने हैं पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात ऐसे कितने सात डिजिट के नंबर हैं जिसके अंदर थ्री तीन बार आया हो एंड क्या बोल रहा है वो डिजिट फाइव फोर टाइम्स यानी कि तीन तीन बार आया हो एंड डिजिट फाइव चार बार आया हो राइट तो ये उनमें से एक नंबर है यानी कि ट्रिपल थ्री एंड चार बार फाइव एक सेवन डिजिट नंबर है जो कि आपकी जो कंडीशन उसने बोली है वो उसको सेटिस्फाई करता है यानी कि इसके अंदर तीन बार थ्री आया है एंड चार बार पांच आया है लेकिन अब वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं ठीक है थीके? अब देखो जब भी हमने कोई वर्ड जैसे किया था पार्ट नंबर आई थिंक वन या टू में हमने मेसी किया था तो उसके अंदर मैंने आपको चीज बताई थी कि जब भी आपके मेसी के अंदर जैसे था एम आई एस एस आई एस एस आई पी आई आई होप ये स्पेलिंग है इसकी इसके अंदर जो आपका एस है वो दो बार है सॉरी चार बार है आपका जो आई है वो भी आपका चार बार है तो इसलिए हम क्या करते हैं इस केस में हमें डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय दोबारा से फोर फैक्टोरियल क्योंकि चार बार आपका एस है चार बार आपका आई है एंड आपका आ, और कुछ रिपीट नहीं है आई थिंक आई डोंट नो इफ डबल पी आता है आप एक बार चेक कर लेना लेकिन कहने का ये मतलब है कि जितनी बार आपके रेपिटेशन होते हैं उतने नंबर से ही आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेलिंग्स राइट तो इस केस में जब आपका नंबर होता है तो ये एक स्पेशल uh, क्वेश्चन है इसके अंदर आपका नंबर के अंदर भी सेम चीज़ यूज हो रही है अब देखो इसको अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज हैं सात स्पेसिज uh, हैं यानी कि टोटल हमारे पास सेवन फैक्टोरियल वेज हैं जिसके अंदर हम इनको अरेंज कर सकते हैं राइट लेकिन आपका तीन जो है वो तीन बार आया है और आपका सेम डिजिट पांच वो आपका चार बार यूज हुआ है यानी कि आपका हो जाएगा आ, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक दो तीन चार बार रिपीट हुआ है यानी कि फोर फैक्टोरियल यहां पे कंफ्यूज मत होना जितनी बार रिपीट हुआ है उससे डिवाइड उससे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है ना कि फाइव फैक्टोरियल से राइट तो कितनी बार आया है? पांच चार बार रिपीट हो रहा है तो हम फोर फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे एंड थ्री कितनी बार है तीन आपको तीन बार आया है तो आपको थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड होगा इसके ठीक है अगर आपको यह पार्ट समझ में नहीं आया है देन आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट वन एंड टू प्रॉपरली देख के आओ एक बार उसमें मैंने ये सब आपको बात करके समझाया हुआ एक्जैक्टली कि हमने ऐसा क्यों किया है सो आई होप समझ में आया होगा इसके अंदर आपका जो आंसर है वो आप चेक कर सकते हो आंसर आपका uh, अच्छी बात है यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा तो so, यहाँ पे एक्चुअली आपको जो लिखा हुआ है इसमें एक मिसप्रिंट है इसका एक्चुअली में आंसर सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल है आपके क्वेश्चन में थ्री फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल लिया हुआ है वो गलत है तो आपका आंसर यही है इस केस में जो मैं बता रहा हूँ सही चीज़ है पीछे इसका आंसर आप दोबारा कहीं से चेक करेंगे इसी और uh, वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपका आंसर यही है यहाँ पे मिसप्रिंट miss, uh, होगा

जो भी नंबर फॉर्म होना चाहिए वो उसमें तीन बार तीन होना चाहिए एंड चार बार जीरो होना चाहिए राइट right? जब भी आपका जीरो आए किसी भी नंबर में जब भी आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन करनी हो एंड आपका जीरो आए देन आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है एंड समझ जाना है कि यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है बिकॉज कोई भी आपका नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता यानी कि इन जीरो में से कोई भी एक नंबर यहाँ पहले नहीं आ सकता ये एक ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर आपके तीन बार तीन है चार बार जीरो है बट हमें देखना है कि ऐसे कितने ऑप्शन बन सकते हैं सो आप यहां पे क्या करोगे पहले डैश में आपका फिक्स है कि आपका थ्री ही आएगा यानी कि आपका एक ही आउटकम है इस केस के अंदर बचे कितने ये आपकी चीज अलग हुई बचे आपके छे आउटकम एक दो तीन चार पांच छे इसके अंदर आपको कहीं भी जीरो और बाकी के बचे हुए दो जो तीन है वो आ सकते हैं ऐसा मान लो कि ये एक जो तीन है ये तो क्रॉस ही हो गई ये हमने यहां पर फिक्स कर दिया राइट अब क्या है आपका दो तीन और बचे हैं और बाकी के आपके पास चार जीरो हैं अब इसका मतलब आपको कितना करना है आपको इन्हीं के अंदर जो भी चेंज करना हो करना है ये तो फिक्स्ड है आपका हमेशा आपका जो नंबर है वो से स्टार्ट होगा यानी कि आपका इस केस में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एस अगेन सेम चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी मिसी में करी क्योंकि तीन दो बार है तो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एंड क्योंकि जीरो जीरो आपको चार बार आया तो आपको डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल राइट सो दिस इज योर आंसर इन दिस केस को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक बार ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है ऑप्शन में आपने इसको सॉल्व किया हुआ है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको आपको सॉल्व करना आता ही है ठीक है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल को कट कर दो नीचे आपका फोर फैक्टोरियल है ही आपके पास नीचे करोगे टू सो so ये हो जाएगा थ्री तो आपका फिफ्टीन इज योर आंसर इन दिस केस राइट आई होप समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि फ्रॉम अ सेट ऑफ थ्री कैपिटल कॉन्सोनेट्स फाइव स्मॉल कॉन्सोनेट्स में यहाँ लिख लेते हैं तो थ्री कैपिटल कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स, यानी कि तीन बड़े अक्षर यानी कि बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी आ, तीन हमारे पास वो हैं बाकी फाइव स्मॉल कॉन्सोनेंट्स हैं पांच स्मॉल वाले हैं यहाँ स्मॉल लिख लेते हैं हम एंड फोर वॉवल्स हैं हमारे पास ठीक है फोर हमारे पास वॉवल्स हैं तो वो कह रहा है कि हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं ईट स्टार्टिंग विद कैपिटल कॉन्सोनेट एंड कंटेनिंग थ्री स्मॉल कॉन्सोनेंट्स एंड टू वॉवल्स यानि कि जो एक्चुअल में वर्ड बने उसके अंदर तीन स्मॉल और दो स्मॉल uh, होने चाहिए एंड आपका वो स्टार्ट होना चाहिए किसी भी एक जो आपके तीन प्रोवाइड है उनसे स्टार्ट होना चाहिए राइट right? अब देखो इसके अंदर आपको करना क्या है सिंपल बात है जैसे तो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करो वो कह रहा है कि हमें एक वर्ड बनाना है जिसको कैपिटल से हमें स्टार्ट करना है यानी कि जो आपका पहला डैश समझ लो आप वो तो थ्री सी वन से भरा जाएगा यानी कि इन तीन कैपिटल कॉन्सोनेट से हम एक कैपिटल कॉन्सोनेट चूज कर रहे हैं राइट right? कोई भी एक चूज कर रहे हैं चूजिंग की बात हो रही है तो आपका कॉम्बिनेशन आएगा थ्री सी वन राइट आगे बढ़ते हैं आगे वो कह रहा है कि उस वर्ड के अंदर तीन स्मॉल कॉन्सडेंट्स होने चाहिए आउट ऑफ फाइव हमारे पास पांच ऑप्शन है उसमें से हम तीन ले रहे हैं कोई भी राइट right? तो अगेन आपका इस केस में क्या होगा थ्री सी फाइव हो जाएगा सॉरी इस केस में आपका हो जाएगा फाइव तो इस केस में आपका फाइव सी थ्री हो जाएगा राइट right? क्योंकि पांच में से आप तीन चूज कर रहे हो बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं आगे वो कह रहा है कि उस वर्ड के अंदर जो चार वॉल्स हैं उसमें से दो वॉल्स यानी कि फोर सी टू यह भी हमने कर लिया ये तो बहुत सिंपल है हमने यहाँ तक किया है लेकिन अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पे हम लोग जनरली अपना आंसर छोड़ देते हैं एंड यहीं पे गलती होती है एंड इन एनी मेजर एग्जाम आपका आई पी मैट हो गया कोई भी हो गया उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ताकि आप किसी ना एक स्टेप पे आपको लगे कि आपका आंसर हो गया है लेकिन एक्चुअली में अभी हुआ नहीं है आपको उसको कंप्लीट करना है अभी देखो यहाँ पे कमी क्या रह गई है कमी ये है कि आपने जो ये चूज कराया है इससे तो आपका स्टार्ट होगा ठीक मान लिया हमने लेकिन अभी हमने क्या किया हमने कॉम्बिनेशन यूज किया याद रखना हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया यानी कि अभी हमने इन पाँच में से तीन चूज करे हैं इन चार में से हमने दो चूज करे हैं ताकि हमारे पास एक सेट हो जाए आ, सेट ऑफ वर्ड्स हो जाए सेट ऑफ जो भी अल्फाबेट्स हमें चाहिए इनसे ही हमें वर्ड बनाने हैं अब इस वर्ड के अंदर क्या है एक डैश में तो हमने फिक्स कर दिया बचे तीन डैश तीन डैश के अंदर हम क्या डाल रहे हैं आपका एक स्मॉल कॉन्सनेंट डाल रहे हैं और बाकी दो डैश के अंदर हम आपके दो वर्वर्ड डाल रहे हैं राइट तो टोटल में आपके एक दो तीन चार

फाइव फैक्टोरियल वेज में अरेंज तो आपको इस केस में फाइव फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इस फाइव फैक्टोरियल को करे आपके बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं वो आप नहीं निकाल पाओगे सो आई होप समझ में आया होगा आई नो पार्ट थ्री में थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे लेकिन इनको एक बार समझना एक बार इनको अपने हाथ से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि अगर उस केस में आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो एंड आपको यू नो इसको आप अगर एक दो बार भी कर लोगे ना तो जब आप एग्जाम देने जाओगे एंड ये आप क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बार रिवाइज मत करो जब आप वहाँ पे कर रहे हो तो आपका हाथ अपने आप चल जाएगा कि हाँ यार या मैंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं किया हुआ पहले पहले हमने यहाँ पे सी निकाले थे यानी कि हमने चूज किए थे उसके बाद जो बचे हुए हमारे पास पांच पेसेज हैं एक तो हमारा फिक्स किए हुए मैं से स्टार्ट करना है बाकी के पांच पेसेज में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं राइट सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है वाला एंड डट्स मैंने उसको लिया Uh, so uh, एक और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आप एग्जाम में मोस्ट मेरे ख्याल से, शायद इतना सोच ना पाओ एंड इसको निकाल ना पाओ तो इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एक बार तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है किन गेम विद ऑल दी अदर टीम ठीक है हाउ मेनी टीम्स टूक पार्ट इन दम्पिटिशन इफ दे प्लेड फोर्टी फाइव गेम्स इन ऑल यानी टोटल में आपके कितने गेम्स खेले गए हैं वो खेले गए हैं आपके 45 गेम्स राइट right? कितनी टीम्स हैं हम मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टीम्स हैं हमें नहीं पता कितनी टीम्स हैं लेकिन एन नंबर ऑफ टीम्स हैं अब आप देखो अगर इस एन यानी कि जो हमें नहीं पता है कितनी टीम्स हैं उसका हम कॉम्बिनेशन करें टू यानी कि इन एन नंबर ऑफ टीम्स में से हम दो दो टीम को निकालें बेसिकली हम इन एन में से दो टीम को चूज करते हैं बार बार परम्यूटेशन यूज नहीं कर रहे हैं राइट क्योंकि अगर हमने परम्यूटेशन यूज़ किया तो क्या होगा परम्यूटेशन क्योंकि आपका आ, जो ऑर्डर होता है उसको मैटर करता है इसलिए आप ऐसा मानो कि अगर इस एन के अंदर बहुत सारी टीम्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो ये क्या करेगा पी क्या करेगा पी आपके कॉम्बिनेशन बनाएगा ए बी और बी ए क्योंकि वो ऑर्डर को मानता है इसलिए पी के हिसाब से परम्यूटेशन के हिसाब से आपके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे ठीक है लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए क्योंकि ए बी कि कॉम्पिटिशन हो और बी और ए के बीच में हो तो बात तो सेम ही होती है राइट यानी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो या पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो बात तो सेम ही है तो इस केस में हमें परमिटेशन यूज नहीं करना है इस केस में हमें क्या करना है इस केस में हमें सी यूज करना है क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन निकालने हैं कि अगर हम इन एन नंबर ऑफ टीम में से दो दो टीम चूज करते हैं तो कितने हमारे पास मैचेस बन सकते हैं ऐसे राइट तो अगर आप यहां पे देखो तो सिंपल सी आपको मन जाता है एन सी टू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव क्यों क्योंकि आपने जब नंबर ऑफ टीम्स हैं उसमें से आप दो दो चूज कर रहे हो तो एट लास्ट जितने कॉम्बिनेशन बने उतने ही तो मैचेस हुए होंगे राइट तो जितने कॉम्बिनेशन बने उतने ही जब आपके मैचेस होंगे तो आप एनसी टू को इक्वेट कर सकते हो फोर्टी फाइव से राइट अब इसको सॉल्व कैसे करें देखो ऐसा जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका सच नहीं है सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन को यूज करो एंड आपका क्योंकि चार ही ऑप्शन है तो आप एन में जो भी डालोगे ठीक है उस हिसाब से जब आप सी टू अपना जो एनसी टू का डालोगे तो आपका जिस भी केस में फाइव आ रहा होगा वही आपका एन की वैल्यू होगी इस केस के अंदर तो अगर आप यहाँ कॉमन सेंस यूज करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइव है टेन है फिफ्टीन है फिफ्टीन ज्यादा हो जाएगा फाइव कम होगा तो हम ऐसा करते हैं टेन ट्राई करते हैं टेन सी टू के देखते हैं कितना हो गया टेन फैक्टोरियल नीचे आपका टू फैक्टोरियल एंड एट फैक्टोरियल यानी कि आपका टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल नीचे आपका एट फैक्टोरियल से कट जाएगा ये नीचे आपका फैक्टोरियल और है तो आपका हो जाएगा एंड राइट एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया जो कि कि हमें चाहिए था यानी अगर हम टेन सी टू करते हैं तो आपका फोर्टी फाइव आता है यानी कि आपकी एन की वैल्यू कितनी होगी एन की वैल्यू आपकी टेन होगी राइट सो इन दिस केस एन की वैल्यू टेन आएगी आपकी एंड दिस इज योर आंसर आई होप समझ में आया होगा आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी एंड उस केस में अगर हल्का सा भी कुछ क्वेश्चन में चेंज हो गया तो आप समझ नहीं पाओगे भले ही कंसेप्ट कितना ही सेम हो राइट सो दैट्स दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए थे एंड इस वीडियो में हम कर रहे हैं पार्ट थ्री के अंदर सो so, यहाँ पे क्या है कि इन हाउ मेनी वेज अ सिलेक्शन कैन बी मेड ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट एटलीस्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया है किसी में भी उसने एटलीस्ट की कोई बात नहीं करी थी हमसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर तो एटलीस्ट वन फ्रूट आउट ऑफ फाइव बनाना मैंगोज एंड फोर यानी कि फोर हैं फोर मैंगोज हैं एंड पांच बनाना है तो यानी इन हाउ मेनी वेज अ सिलेक्शन कैन बी मेड ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट यानी कि सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट करनी है तो जब एटलीस्ट होता है तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि एटलीस्ट मतलब वो ये कह रहा है कि कम से कम एक फ्रूट तो चूज़ हो ही ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी फ्रूट चूज़ ना हो ये उसने बोला नहीं है लेकिन इस केस में हमें मान के चलना होता है इंपॉर्टेंट है बता दूं क्यों अब देखो हमारे पास जब पांच बनाना है तो उसके अंदर से हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेसिकली हम हो सकते हैं एक बनाना चूज़ करें दो करें तीन करें चार करें पांच करें पांच ही कर सकते हैं कि पांच बनाना है लेकिन इस केस में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और है कि हम कोई बनाना चूज ना करें हो सकता है हम एलमंड ले लें एक राइट right? उसने ये बोला है कि इसमें से ये सब हमारे चीजें हैं अब हमें आ, वो बताना है कि इसके अंदर कितनी आपकी यू नो प्रोबेबिलिटी तो नहीं कहेंगे इसको यहां पे क्या लिखा हुआ है वेज ऑफ सिलेक्शन है वेज ऑफ सिलेक्शन फॉर चूजिंग वन आपका फ्रूट राइट right? तो आप अब देखो यहां पे फाइव बनाना है तो यानी कि एक कोई भी बनाना चूज ना करना मतलब जीरो ठीक है तो वो भी एक प्रोबरिटी होगी तो इस केस में हम ले देते हैं आपकी यहाँ पे छह प्रोबेबिलिटीज हैं बेसिकली बनाना चूज करने की राइट right? एक बनाना दो बनाना पांच बनाना या फिर जीरो बनाना भी हो सकता है तो रोड में आपके पास छह पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे सिमिलरली सेम कंसेप्ट यूज करते ही अगर हम बात करें मैंगोज चूज uh, करने की तो हम मैंगोज भी कितने चूज कर सकते हैं एक दो तीन चार या फिर कोई मैंगो भी नहीं हम चूज करें तो वो आपका हो जाएगा पांच पॉसिबिलिटीज ऑलमंडस के लिए भी सेम चीज़ होती है कि आप इसमें चूज करोगे तो आप कर सकते हो पांच पॉसिबल वेज में एक दो तीन चार या ज़ीरो राइट right? तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हो गई राइट right? तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल चीज़ हमने आ, ये रूल हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं वाला तो आप करोगे सिक्स इन टू फाइव इंटू फाइव लेकिन यहाँ पे एक आपका क्लॉज और है जो कि देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी मेड इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन कैन बी मेड ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट आउट ऑफ फाइव ब्रानर्स फोर

हमें यहाँ पे कौन सा वाला आउटकम माइनस करना है हमें वो आउटकम माइनस करना है कौन जिसके अंदर हमने ना ही बनाना एक लिया ना ही हमने एक मैंगो उठाया ना ही हमने एक ऑलमंड उठाया क्योंकि वो आपका क्या हो गया वो आपका हो गया बेसिकली कि आपने कोई भी फ्रूट नहीं उठाया लेकिन उसने क्या बोला है कि हमें एटलीस्ट वन फ्रूट तो उठाना ही है राइट right? तो आपके सारे इसमें चल जाएंगे हमने बिल्कुल सही बनाया है ये लेकिन आपको इसमें से एक आउटकम माइनस करना पड़ेगा वो वाला आउटकम जिसके अंदर हमने कुछ भी उठाया नहीं है ना ही हमने बनाना उठाया ना मैंगो ना ऑलमंड राइट right? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैट के लेवल का क्वेश्चन है आईपीएम में आ सकता है इसलिए इसको सुन लेना ध्यान से नोट no डाउन कर लेना समझ लेना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है योर आंसर इन दिस केस विल बी 115 को मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस वन करोगे तो आपका 149 फोर्टी नाइन इज योर आंसर इन दिस केस राइट सो दैट सेट फॉर दिस लेट्स मूव फो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अगेन आपका एटलीस्ट टाइप वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम दोबारा से लेकिन इस वाले में हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपकी गलती होगी अगर आप पॉज करके खुद से ट्राई करते हो क्वेश्चन को मेरे साथ करोगे तो समझ में आ ही जाएगा लेकिन जरूर उसको पॉज करना आपको समझ में आएगा मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ यानी नहीं कहा देर आर फाइव डिफरेंट जेफरी आर्चर बुक्स थ्री डिफरेंट सिडनी शेल्टन बुक्स एंड सिक्स डिफरेंट जॉन ग्रिशम बुक्स द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बुक कैन बी गिवन अवे ठीक है पॉज करना खुद ट्राई करना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं हमने पहला वाला क्वेश्चन किया एंड मैंने आपको बोला हुआ है कि ये आपसे गलती करवाएगा बार बार तो हमें लगता है ये तो बिल्कुल सेम है यार जो हमने पहले किया फाइव डिफरेंट जफ़री आचर बुक्स अच्छा ठीक है पहले भी हमने लिखा हुआ था फाइव डिफरेंट जफरी आचर बुक्स हो गई थ्री डिफरेंट सिडनी की बुक्स हो गई उसके अलावा आपकी सिक्स जॉन की बुक्स हो गई राइट तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए एक दो तीन चार पाँच या फिर कोई भी नहीं तो हम छः कर देंगे इसके अंदर कितना हो गया चार कर देंगे इसके अंदर हम सात कर देंगे मतलब क्या कर देंगे माइनस वन कर देंगे बिल्कुल ही गलत आपने किया है इसको अगर आपने ऐसा सोचा होगा तो मैं बता रहा दूं क्यों देखो हर क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है वो आपसे ये गलती करवाएगा क्वेश्चन में वो कुछ ही बोल रहा है कुछ और ही बोल रहा है और हमने यहाँ पे जो अभी किया वो कुछ और ही कर दिया बिल्कुल ही डिफरेंट वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बुक कैन बी गिवन अवे गिवन अवे मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं गिवन अवे या नॉट गिवन अवे यानी कि हर बुक की यही दो पॉसिबिलिटी है इसमें बुक तो चूज करने की बात हो ही नहीं रही है लेकिन क्योंकि हम वो ऑलमंड वाला क्वेश्चन करके आए हैं तो हमें लगता है शायद ऐसा ही करना होगा यानी हमारा दिमाग भी कभी कभी उसी वे में चला जाता है बट ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है कंसेप्ट सेम ही है लेकिन इसका जो पूछा गया है वो चीज बिल्कुल डिफरेंट है यानी कि अगर हमारे पास पांच तीन आठ आठ और छह आपके पास यहां पे चौदह बुक्स हैं यानी कि हमारे पास टोटल में चौदह बुक्स हैं हर बुक की पॉसिबिलिटी है कि हम उसको गिव अवे कर सकते हैं या नॉट गिव अवे कर सकते हैं राइट तो हम क्या करेंगे अगर हर बुक की दो पॉसिबिलिटी हमारे पास चौदह बुक्स हैं तो आपको कितना हो गया टू इंटू टू इंटू टू चौदह बार यानी कि टू की पावर फोर्टीन सिंपल ऑब्वियसली क्योंकि हम इसमें दोनों पॉसिबल आउटकम्स ले रहे हैं कि गिव अवे नॉट गिव अवे राइट तो अगर चौदह की चौदह में हमने बाई चांस ऐसा किया कि हमने नॉट गिव अवे कर दिया तो क्या होगा कि हमने कोई बुक नहीं दी लेकिन उसने क्या बोला कि हमें एटलीस्ट वन बुक देनी है जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट हो आपको माइनस वन जरूर करना है ठीक है रट्टा मत मारना इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ लेकिन समझ लेना बता मैंने आपको बताई दिया क्यों क्योंकि हमने इसके अंदर जो आउटकम्स लिए हैं वो हमने गिव अवे एंड नॉट गिव अवे बोथ लिया है यानी कि अगर हम चौदह बार चेक करते हैं एंड हमने फोटीन में सब में हमने नॉट गिव अवे कर दिया तो आपका जो एक आउटकम आएगा वो ऐसा वाला होगा जिसके हमने इसके अंदर हमने कोई बुक नहीं दी है लेकिन एडलीस का मतलब होता है कि हमने एक बुक तो देनी ही है यानी किसी भी एक चौदह में से कोई एक बुक हमने दी होगी किसी को राइट तो आपका हो जाएगा टू की पावर फोर्टीन माइनस वन यहाँ पर आपका होपफुली ऐसा ही होगा ऑप्शन में भी तो आपका टू की पावर फोर्टीन माइनस वन इज योर आंसर ऑप्शन नंबर डी है सॉल्व नहीं करने को बोलेगा आपको टू इज टू पावर फोर्टीन ठीक तो, है तो दिस इज इट आई होप समझ में आया होगा बढ़िया क्वेश्चन हैं ये वाले बहुत थोड़े हाई लेवल के हैं अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हंड्रेड परसेंट आएंगे ही ठीक है हो सकता है ना भी आएंगे लेकिन पार्ट थ्री इज द हायर मैथ्स पार्ट एंड हमें एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही क्वेश्चन चार नंबर का आता है आपका आई पी मैट के अंदर ठीक है तो सही करके आता तो आपको प्लस फोर मिलता है करना कुछ नहीं है इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आता होगा वो कर देगा जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा हमारे पास तीन ऑथर थे राइट कौन कौन थे आर्चर एंड शेल्डन एंड जॉन ठीक है इन ये जो तीन ऑथर्स हैं इन सब की एक एक बुक हमें देनी है राइट मैं आपको ये इसके पार्ट्स क्यों करवा रहा हूँ हालांकि सकते हैं हम लेकिन इन पार्ट्स को जो आप करो तो आपका दिमाग और खुलेगा आपको और समझ में आएगा कि एक्चुअली में कंसेप्ट कितना डीप है तो देखो उसने क्या बोला यहाँ पे हमारे पास कितनी पाँच तीन और छ बुक्स थी पाँच तीन और छ बुक्स डिफरेंट ऑथर्स की ए बी सी मान लो जो भी है ठीक है आर्चर की शेल्डन की तो ए बी सी तीन ऑथर्स हैं उनके हमारे पास ये बुक्स हैं तो अब हमें क्या करना है अब हमें करना है कि एटलीस्ट एक बुक हमने सबकी दी हो यानी कि हर ऑथर की एक बुक तो हमें देनी ही है कितनी कितनी देखो पांच बुक्स हैं पांच बुक के अंदर अगेन आपके पास ऑप्शन कितना है गिव मतलब गिव गिव मतलब अवे अवे या नॉट राइट गलती यहां बिल्कुल भी ये मत करना भूल कर भी कि फाइव इंसू तो टू मत करना मतलब तो मत करना। मैंने आपको समझा दिया है हम क्यों कर रहे हैं आपका इस केस में होगा टू की पावर फाइव क्योंकि हर बुक की पॉसिबिलिटी है गिव अवे नॉट गिव अवे गिव अवे नॉट गिव अवे यानी कि दो पॉसिबिलिटी है पांच बुक की पहले हम इसकी बात कर रहे हैं इस ऑथर की तो पांच जब उसके पास पॉसिबिलिटी है तो हम टू इन टू पांच बार कर रहे हैं तो टू की पावर फाइव अगेन इसके अंदर क्या होगा एक ऐसा आपका वो बना होगा इसके अंदर हमने कोई बुक नहीं दी होगी इस ऑथर की तो वो हमें माइनस करना है तो टू की पावर फाइव माइनस वन यहाँ कितना हो गया टू की पावर थ्री माइनस वन यहाँ कितना हो गया टू की पावर सिक्स माइनस वन ठीक है बस सिंपली आपको इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ठीक है इसको आप चेक कर सकते हो जिसमें भी आपको टू की पावर फाइव माइनस वन टू की पावर थ्री माइनस वन एंड टू की पावर सिक्स माइनस वन है आई थिंक ऑप्शन नंबर डी है फाइव थ्री सिक्स हाँ ऑप्शन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर इन दिस केस देखो हमने क्या किया इस केस में हमने हर ऑथर की एक एक बुक दी है एंड हमने जितने पॉसिबल उसके वो बन रहे थे हमने वो सब निकाले हैं एक्जैक्टली पहले किया था थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है इसलिए पूरा आपका ही चेंज हो गया राइट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो आई होप इन दो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हैंग हो गया होगा इस क्वेश्चन का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का एक बार देखना थोड़ा फास्ट करेंगे सो यहाँ पर लिखा हुआ है दर इज अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन ईच क्वेश्चन हैज एन इंटरनल चॉइस ऑफ टू ऑप्शन आगे लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट अटैम्ट वन और मोर क्वेश्चन ऑफ द गिवन फिफ्टीन क्वेश्चन यानी कि एक या एक से ज्यादा कर सकता है ठीक है तो अगेन देखो एक या एक से ज्यादा यानी कि एक तो करना ही है यानी कि अगेन उसने इनडायरेक्टली आपको एटलीस्ट ही बोला है ठीक है लैंग्वेज चेंज है लैंग्वेज पे ध्यान देना इस लैंग्वेज को जितना जल्दी समझोगे उतना आपको काम आएगा कि एटलीस्ट को वो और कैसे बोल सकता है ठीक है तो कैन अटेम्प्ट वन और मोर यानी कि एटलीस्ट एक तो करना ही है ठीक है तो आगे वो बोलता है तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहां पे फिफ्टीन क्वेश्चन है ठीक है फिफ्टीन क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन के अंदर कितनी चॉइसेस हैं दो इंटरनल चॉइसेस हैं यानी कि ऐसे मान लो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा बेसिकली तो एक क्वेश्चन है उसके अंदर ट्रू फॉल्स का ऑप्शन होता है एक ऑप्शन और हो सकता है कि वो अटेम्प्ट ही ना करे क्वेश्चन को राइट right? तो इन टोटल ये भी हो सकता है कि वो नॉट अटेम्प्ट करे ठीक है तो आपके पास तीन टोटल ऑप्शंस हो गए इस केस में ठीक है दो तो इंटरनल चॉइस है एक उसमें अगर वो अटेम्प्ट करेंगे ना क्वेश्चन को तो एक वो भी एक चॉइस ही है उसके पास तो आपके पास पंद्रह वो हैं

पंद्रह क्वेश्चन अगर वो स्किप कर दे तो ये वाला जो एक ऑप्शन है इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एटलीस्ट की बात करनी है इस क्वेश्चन के अंदर उसने एटलीस्ट इनडायरेक्टली हमें बोला हुआ है राइट तो आपका आएगा थ्री की पावर माइनस वन दिस इज योर आंसर इन दिस केस राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं अगेन अ गुड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स वन सिक्स सेवन एट वन सिक्स सेवन एट आगे लिखा हुआ है सेवन सिक्स वन सेवन सिक्स वन ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जिससे हमें नंबर फॉर्म करना है सो दैट ऑर्ड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑर्ड प्लेसेस राइट हमारे पास कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात यानी कि आपको ऑर्ड नंबर्स को ऑर्ड प्लेसेस में ही डालना है प्लेसेस क्या होती हैं यानी कि हमने ये प्लेसेस बनाई एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये हो जाएगा ऑड ये हो जाएगा इवन प्लेस बिकॉज ये बेसिकली ये फर्स्ट प्लेस है सेकंड प्लेस है ये थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस तो ये आपके इवन प्लेसेज हैं और जहाँ पे आपका ऑड नंबर आ रहे हैं आपके ऑड प्लेसेज हैं तो ये ऑड ये इवन ये ऑड ये इवन ये ऑड राइट तो आपके पास ऐसे ऐसे करके सात प्लेसेज हैं अब इसके अंदर से ऑड नंबर्स कौन से हैं एक सात सात यानी कि आपके पास वन सेवन सेवन वन ये हमारे पास ऑर्ड नंबर हैं जो कि हमें ऑर्ड प्लेसेस के अंदर ही डालने हैं ऑड प्लेस कितनी है एक दो तीन चार ठीक है हमारे पास चार ऑड प्लेसेस हैं उसके अंदर हमें ये चार नंबर फिक्स करने हैं यानी कि अगर हम मानते हैं कि ये जो चार हैं ये ऑर्ड प्लेसेस हैं इसके अंदर आप ये नंबर अगर फिक्स करोगे तो ये फोर फैक्टोरियल बेस के अंदर हो सकते हैं रिशफल इन चार प्लेसेस के अंदर एंड अगेन क्योंकि आपका वन दो बार आया तो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल एंड क्योंकि आपका सेवन भी दो बार है तो आपका डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल तो ये कितना हो जाएगा आपका फोर इन थ्री इंटू टू कर लोगे या आपका टू हट जाएगा यहाँ से दोबारा से टू तो बेसिकली सिक्स आ जाएगा आपका यानी कि ऑड नंबर्स इन ऑड प्लेसेस जब आप करोगे तो वो सिक्स वेज के अंदर आप डाल सकते हो उनको राइट उसके बाद बची आपकी इवन प्लेज इवन कितनी है एक दो तीन इवन प्लेसेस हैं आपके पास एंड इवन नंबर्स कितने सिक्स एट एंड सिक्स ये आपके इवन नंबर्स हैं इनको आपको डालना है इवन प्लेसेस के अंदर राइट तो इसके इसमें आपको क्या होगा अगेन एक दो तीन इवन हैं तीन नंबर इसमें डाल रहे हो कितना हो गया तो आपका थ्री आ जाएगा तो इवन नंबर तो आपके तीन तरीके से डाल सकते हो आप और नंबर इन ऑड प्लेसेस आप छह तरीके डाल सकते हो यानी कि सिक्स इंटू थ्री तो एटीन इज योर आंसर इन दिस केस राइट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है Uh, मुझे ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है आप ये भी नहीं बोल सकते कि, कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है तो आ भी सकता है ठीक है एंड थोड़ा सा बस कंसेप्ट यूज़ हो रहा है जो पढ़ के आया है बच्चा वो फटाफट से कर लेगा ठीक है तो अट्ठारह इज़ योर आंसर इन दिस केस एंड मैं देख लेता हूँ ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है जिसके अंदर अट्ठारह है तो दैट इज़ योर आंसर सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको मजा आया होगा um, ये पार्ट नंबर थ्री था करने को हम और क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट फोर पार्ट फाइव बट आई थिंक अगर आपने पार्ट थ्री तक प्रॉपर्ली देख लिया है पार्ट वन से मैं बात कर रहा हूँ पार्ट वन टू थ्री आपने पूरे देखे हैं देन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से मेरे ख्याल से मतलब काफ़ी हद तक आ गया होगा एंड यू आर गुड टू गो फॉर दिस चैप्टर एटलीस्ट थोड़ा सा आपके बेसिक्स क्लियर हैं अब एंड यू कैन ईजिली सॉल्व एनी अदर परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जितने कन्सेप्ट थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्सेप्ट होते हैं सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं प्रैक्टिस की कमी आपको नहीं रखनी है अपनी तरफ से जितने आपको क्वेश्चंस मिले जहाँ से मिले फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन के इंटरनेट पे हो किसी और बुक में हो किसी और कोचिंग के पास हो उनसे आप लेके आओ खुद प्रैक्टिस करो एंड ट्राई करो जहाँ डाउट आए आपके पास आजकल हर सोर्स uh, खुला है डाउट अपना क्लियर करो एंड आगे बढ़ो यही एक तरीका है ये सब एग्जाम को क्लियर करने का मैंने अपने हिसाब से जितने आपको बेस्ट क्वेश्चन मैं करवा सकता था मैंने करवा दिए हैं एंड दट टो डिस वीडियो आई होप यू लाइक डिट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू